चौरासन सी बात बोल देते हैं, मजाक बना देते कि भी लेडीज ने तो शॉपिंग करवा दो, ये करवा दो, बाहर घुमा दो, पर ये चीज़ें भाई जेंट्स के आदमियों के बस की नहीं है। अगर घर का कुछ भी सामान खरीद कर लेके आना तो लेडीज को ही लेके आना पड़ा है, और अगर आदमी जो होते हैं उनको बोल भी दे तो वो उठपटांग कुछ भी उठा कर ले आओगे। और फिर भी कह रहे हैं कि लेडीज ने शॉपिंग करना पसंद है, चाहे पूरे पूरा घर उन चीज़ों को यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, उनके काम की ज़रूरत की वो चीज़ें, फिर भी पता नहीं क्यों बदनाम करते रहते हैं। तो पता नहीं, सबकी अलग अलग सोच है, कोई मजाक मजाक करता है, कोई उस बात ने सीरियस भी ले लेता है, तो बस वही यही है, काम करो और बदनाम होते रहो। तो यहाँ पे हम खरीद लेते हैं भाई अपनी साग सब्जी जो भी है, फ्रूट वगैरह हमने ले लिए, ये मंडी में गाड़ी खड़ी कर रखी है, यहीं पे लाकर सारा सामान हमने भर दिया, गेहूँ वगैरह सब कुछ यहीं पर खरीद लिए हैं, और सड़क पे हो जाती भाई भीड़, तो अंदर ही खड़ी थी यहीं पर सामान। नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के एक और नए व्लॉग में। तो भाई आज दिन हो रखे मंगलवार का और शाम के बजे हुए हैं 6 बज रहे हैं, और हम आए थे अभी मार्केट में घर का जो डेली का यूज का सामान हो वो लेने, गेहूँ लेने, और ये देखो भी पूरी फुल कर रखी है, और ये वाले तो पीछे रखो ना, गर्मी लग गए हैं अंदर ही ना, घाटी फुल भर दी है, और गोड्डे में भी रख रखे हैं, ये तो इसमें तो आलू और वो है, तलाई से चला दो। और 4:30 बजे आए थे हम, इतनी फटाफट शॉपिंग कर ली है, कुछ था ना फूट तो ना गए हैं इसमें ऊपर आम थे, और आम लेके आए थे रही आड़ मंडी में, इतने बंदर है थे लेके चुपट गए थे रख कर, वो पिंजरा ले लग गई चुई पकड़ने वाला, रात में की है लग गया, इस पर ना पड़ने चाहिए ना, ये सारे जो तेरे ग्रोसरी का सामान ना सारे तोड़ देगा, गर्मी होने लग गई, केले ले लेते ना, चलो ही बाड़े की 30 पत्ते कितने हो गए, कल उड़े तो लिए कति से सूखे सूखे ऊन तो इसे दिखे यहाँ पर कति सूखे उड़ते बंदर जमाने थे वो है, इससे मारी तो कहूँ मगर ले लो, कम जरूरी तो नहीं अभी सुबह जी माई जाऊंगी अग मिल लेंगे, कि ट्रेन खड़ी है क्या, रेलवे स्टेशन पर आ गया हम, रेल आके बहुत दिन हो गए ट्रेन में बैठे, कद बैठाओगे हैं, शुक्रवार जा रहे हैं कलकत्ता, फिर आम तो ये आ रही सारी रेडी अब है, कोई उसे थोड़ी ना है, देख लो कूलर ही कूलर है, वे रे इस पर कंपनी वाले किन पर पाऊंगे ना, एलजी की और ये ओरिएंटल गोदरेज ये रे इस पे एडवर्टी लगानी है आपको, अगर एसी लगा दी एक ठंडा ये रे बढ़िया, इस पे तो लग गई थी मशीन, एसी में सोया है लगवावे है, एसी ना लगवावे ना, तो चिप चिपी हूँ मैं तो, वो एसी काम दे, वो कूलर बाहर दे रहा जाना, अरे कूलर की लाइट कैसी आ रही है, रगला वो उतना करे सलावे ना, उन्हें तो भाई बंद कर देगा, उनको तो चढ़ा चला कर ना, चलाना आवे ना वो फिर बंद करना आवे है ना, न्यू मत बोलिया करो, मुंह के ठारी बेचारी चल ना करी है, ऐसे नहीं कर देना, ऐसे नहीं बोल रहा, हो चुके हैं 7:45, हम आगे थे भी घर पे, और ये देखो सारा सामान यहाँ चौक में ही रख दिया, और आते ही पहला तो भी टेस्ट करे अभी मौसमी किसी है वो चेक करी है, पहले इसमें जूस निकाल कर पी के चब गए है घूमन के,
और ये इसमें ले आए थे दक्ष की टिक्की, मैं तो वही पर खाया आई थी और दक्ष के लिए देखा आई हूँ। तो पहला घिया की सब्जी कट करने लग गई, घिया की सब्जी बनाऊंगी क्योंकि भाई ने कई दिन हो गए बाहर वैसा खाना खा खा के एकदम पक चुके हैं। तो अब इनकी फरमाइश हो रही कि भाई हल्का फुल्का वैसा खाना बना लें, मेरा कभी सिंपल सा, तो भी घर में तो सिंपल खाना बना है, बाहर का खा खा के इंसान कभी थक जा हो। और ये तो भी 10-15 दिन में आए हैं तो पूरा वो रखे इनका। तो मैं सब्जी बना ली, फिर उसके बाद मैं जोत बत्ती करूँगी, एक बार नहाऊंगी फिर उसके बाद जोत बत्ती करूँगी क्योंकि पूरा किरकिर सा हो रखा है और कपड़े भी धोए थे, ऊपर सुकल लग रहे हैं, कपड़े भी उतार के लेकर आऊँगी, ये पूरा बैग भर के लेके आवा जब आव है ना। तो भी फिर मैंने आज मशीन लगा दी, दक्ष की एक स्कूल की जो ड्रेस है बाकी इसने निकाली थी वो वाली डाल रखी है तो वो भी धुल चुकी होगी भाई, उसने भी पानी में तो खंगाल दूंगी और मशीन को कर दूँ साफ और सब्जी बना लूँ और फटाफट बाग बाग काम कर दूँ क्योंकि 7 बज चुके हैं। आधा पौना घंटा तो मेरे पूजा पाठ में ही लग जाएगा और तो बना लूँ सारे सामान। तो भी आज नहीं खोलती क्योंकि उसमें तो कोई सामान नहीं निकालना, बस सब्जी भाजी वो निकाल कर रख दूंगी, बाकी का सारा सामान कल अच्छे से सेट करूंगी निकाल कर क्योंकि अब फैला दिया ना फिर उसमें भी 1 घंटा लग जाएगा। तो आज लेके आए तो रख देंगे और बस। और एक चूहे पकड़ने वाली चूहेदानी भी लेके आई, भी 2-3 चूहिया रखी छोटी छोटी सी और वो चूहे भगाने वाली दवाई लेके आई थी पर वे खा गए उनने और भाई वे मर जावा तो बड़ा दुख हुआ है कि बेचारी मर गई और इनका कोई वो इलाज नहीं, तो इसलिए फिर मैं चूहेदानी लेके आई कि चूहेदानी में पकड़ के इन्हें और दूर छोड़े आवेंगे। तो भी ये भी बेचारी खाने पीने की त्या अंडे जहाँ पर इनका ये दुख है कि ये भी कपड़े में कुतर देवे है ना, जब बड़ा दुख आवे है कहीं पर भी कुतर कुतर करके और काट देवे हैं तो चूहिया। फिर मैंने भाई बहुत ज़्यादा स्मेल सी आ जावे है, ये जगह जगह पर घूमती रहना है तो वो डर भी लग गए हैं। तो मेरी बात होगी बहुत सारी, अब मैं कर लूँ अपना काम और आप वीडियो ना कर दो लाइक और शेयर और चैनल ना सब्सक्राइब कर दो भी जो भी नया आया है, और बिना स्किप किए हुए देखा करो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती हूँ मैं। और भाई काम तो सबका यही है, किसी का कुछ अलग नहीं है, कोई किसी तरीके से कर ले कोई किसी तरीके से कर ले, किसी की टाइमिंग कुछ हो किसी की कुछ और। तो अब फटाफट कर लेती हूँ काम और अब वीडियो ना कर दे लाइक। तो फटाफट से भी सब्जी छोक देती हूँ और उसके बाद मैं फिर नहा के और दूध भी अभी रख देती हूँ गर्म होने के लिए और फिर नहा धो के पूजा पाठ करके और उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी और भी दिमियाज करके और रख दिया है यहाँ पे सब्जी भी और साथ में रख दूँगी दूध भी गर्म होने के लिए क्योंकि ये दोनों काम है तो भी धीरे धीरे होते रहेंगे। और बस ये है कि भी पसीना आ गया था, मार्केट में गए थे बाहर जाम है ना तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वैसे हो जावा है तो अभी ये सामान भी लगा देती हूँ साथ के साथ में। देखो भी वो सामान दिलवा के लेके आए थे पर अब कोई मदद नहीं करी, बस अपना घूमने फिरने के लिए चले गए। और ये जितना भी सामान है अब ये मैं ही सेट करूँगी, जो ये फ्रूट है और सब्जी है तो ये तो आज की आज ही करनी पड़ेगी क्योंकि भी थैली में तो रख नहीं सकते, सुबह तक ये खराब हो जाओगी, थैली खाली करके और अंदर रख दिए है। और जितना वैसा सूखा राशन का सामान था वो मैंने यूं के यूं बंद का बंद उठा कर और रख दिया है क्योंकि भाई वो खोलने के बाद तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पूरी किचन में जो भी बॉक्स है वो देखने पड़ेंगे, मतलब निकाल कर भरना पड़ेगा कौन सा सामान है कौन सा नहीं है। सिकल लगी भी रोटी, यहाँ पर दूध भी गर्म हो चुका अच्छे से और अब रोटी सिकल लगी, सब्जी ये सब्जी रेडी हो चुकी है और ये सलाद कट कर रखी है यहाँ पर डाल कर रखती भाई पापा की देख के आऊँ पहला और फिर ये खा लेंगे। बहुत सारा काम फैल जाओ भाई अकेले बंदे ना और कहीं पर मार्केट में आने जाने की बात तो और भी ज़्यादा हो जा है तो फटाफट अभी रोटी सेक दूँ, 8 बज गए। तो अब यहाँ पे कर दिया किचन का सारा काम की कंप्लीट और बस दूध देना बाकी है। सब्जी लेके आई थी वो हरा धनिया धोकर सुखा रखा है, साइड में गैस स्लेब साफ कर दी है और इस साइड में भी बर्तन धो रखे हैं बिल्कुल साफ कर रखे, और ये सारी सब्जी थी निकाल कर धो दी और सुबह लगाऊंगी इसने फ्रिज में, उसमें लगाने से पहले एक बार फ्रिज की सफाई करूंगी, जो भी वो सीट बिछा रखी है उसके अंदर वो निकाल कर वो धोनी है और वो बास्केट जो भी फ्रूट वाली है क्योंकि कई दिन हो चुके हैं तो वो साफ कर दूंगी, थोड़ी देर में बंद कर दूंगी। तो भाई आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जाते जाते वीडियो को भी लाइक करते जाओ और शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अब जाकर भी सोवा है तो
टक्स करने लग रहा है कि बंद कर दो दरवाजा, तो भी चला है। फिर मिलेंगे, बाय।